सोई ने भी अभी अपनी इच्छा जताई कि मैं हिसार से चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो ऐसे में उन्होंने भी जताई है और आप भी बीजेपी से, तो क्या कहेंगे इसको? अगर पार्टी आपको कहती है कि ये दूसरी जगह लड़ाती है और कुलदीप को हिसार से लड़ाती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह आज हिसार के दौरे पे अपने कार्यकर्ताओं से इन्होंने बैठक ली है, और ऐसे में हम हरियाणा की जो राजनीति पे चर्चा करेंगे। सर, हिसार को लेकर आपको जो अगला चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? नहीं, मुद्दे तो यही है कि जो 2 टर्म मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो केंद्र में है, उसकी जो उपलब्धियां हैं और जिस प्रकार से देश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ा है विपदाओं के बावजूद भी, उसमें कोरोना भी है, उसमें यूक्रेन की लड़ाई भी है, उन सारी चीज़ों के बावजूद भी जिस मजबूती के साथ देश आगे बढ़ा है और उसमें जो सरकार की और पार्टी की जो भूमिका रही है, वही हमारा मेन पॉइंट होंगे जिनके ऊपर हम लोगों के बीच में जाएंगे। सर, अभी बीजेपी पार्टी ने जो कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी भी नियुक्त किया है, कुलदीप बिश्नोई ने भी अभी अपनी इच्छा जताई कि मैं हिसार से चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो ऐसे में उन्होंने भी जताई है और आप भी बीजेपी से, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, इच्छा जताई है, जतानी चाहिए बहुत। मैं सिर्फ कुलदीप जी नहीं, मुझे लगता है और भी कई नेता होंगे, वरिष्ठ नेता होंगे जो लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे, तो वो तो लोकतंत्र है, पार्टी में भी लोकतंत्र है, यदि कोई आदमी इच्छुक है तो बिल्कुल अपना मत रखेगा वो। अगर पार्टी आपको कहती है कि ये दूसरी जगह लड़ाती है और कुलदीप को हिसार से लड़ाती है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? नहीं, इस सवाल का कोई मायने नहीं है, अभी तो इलेक्शन 9 महीने दूर है, तो अभी तो ना तो कोई टिकटें बट रही, ना कोई टिकटों के चयन की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है, ये तो बहुत बाद की बात है, तब देखेंगे जब होगा। अगर गठबंधन की बात की जाए तो आगे कैसे देखते हैं गठबंधन को, क्योंकि आप कई बार कह भी चुके हैं इसको लेकर, क्या कहेंगे? जो कई बार कह चुका हूँ वो वही है, तो बार बार एक ही बात को दोहराने से वो कोई बात ना तो बदल जाएगी, ना उसमें कोई नयापन आएगा। गठबंधन है, सरकार का है, एक मजबूरी थी जिसके तहत बना था, अब लेकिन हम बिल्कुल चुनावी साल में हैं और चुनावी साल में राजनीतिक फैसले लेने बड़े अहम हो जाते हैं, तो उस नाते मेरा हमेशा से मानना रहा है कि पार्टी मजबूत है अपने कदमों पर खड़ी होने में, और देश में क्या पूरी दुनिया में आज के दिन सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो कोई कमज़ोरी वाली बात नहीं है और हमें अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। सर, भूपेंद्र हुड्डा भी विपक्ष आपके द्वार जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ऐसे में वो दावा जता रहे हैं आगे हम सरकार बनाएंगे, देख कैसे देखते हैं कांग्रेस की स्थिति? नहीं, कोई भी आदमी किसी भी मुकाबले में जाता है, कोई हारने के लिए तो जाता नहीं, चाहे आप खेल का मैदान हो या राजनीति का अखाड़ा हो, तो यदि पहलवान अगर उसमें आएंगे और वो पहले से ये मान के बैठ जाएं कि हम तो हारे हुए हैं तो लड़ेंगे कहाँ से, तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है। अभी जैसे आपका लोकसभा क्षेत्र का अभी जो समय बचा है, इसमें अभी क्या ऐसा है जो आप क्या क्या काम करा सकते हैं अभी? नहीं, काम तो देखिए बहुत, विकास के तो बहुत काम हुए हैं, खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे बहुत काम हुए हैं, और बाकी अभी 8-9 महीने हैं, तो जो भी लोगों की आम जन समस्याएं हैं उसका निदान ज़्यादा से ज़्यादा हो चुके हैं, यही चीज़ें होती हैं, और जो काम पाइपलाइन में हैं, चाहे वो सड़कों के हैं या पानी से संबंधित हैं, वो आगे बढ़ें। अब जैसे मानसून का सीज़न आएगा, पिछले 2 साल से हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र है जहाँ पे बड़ी दिक्कत आई है जब बारिशें ज़्यादा हुई हैं, तो उस पर भी काम हो रहा है, लेकिन उसमें समय लगेगा, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं, वो एक समयबद्ध तरीके से पूरी हो जाएँ, यही कामना है। सर, एक राहुल गांधी जो आजकल किसानों से मिल रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, मिस्त्रियों से मिल रहे हैं, तो कैसे देखते हैं उनका? नहीं, वो उनका पब्लिक आउटरीच का एक तरीका है, उन्होंने यात्रा भी की थी कुछ महीने पहले, सो पॉलिटिकल लीडर हैं एक पार्टी के, तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये थे हिसार के जो सांसद ब्रजेंद्र सिंह, इन्होंने यही कहा जो हिसार की जो लोकसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का काम करेंगे और जो भी आगे चुनाव को लेकर वे तैयार है। प्रवीण कुमार, हिसार।